अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने इसका जो बाजू है स्वेटर का, उस बाजू में इस जो नीचे का बॉर्डर होता है वो देखिए हमने किस तरह से बनाया है। तो आज हम यही बताएंगे। मेरे एक कमेंट, मेरा व्यूअर्स का कमेंट आया है कि इसका स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। तो मैंने जितना सारा डिज़ाइन इस जैकेट में बनाया है वो सारे डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगी। ये सारा वीडियो अपलोड होगा। ये देखिए, मैंने इस बॉर्डर के बाद से यहाँ पे ये चार डिज़ाइन, 1 2 3 4 डिज़ाइन यहाँ पे हमने ये वाला बनाया है। तो इसको भी हमने दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। बाकी ये देखिए सारा ये प्लेन है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे शुरू करते हैं। मेरा व्यूअर्स बहुत जल्दी सीखने के लिए बोल रहे हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठंडी आ गया है, अभी सारा व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं स्वेटर के डिज़ाइन के लिए। तो मैं अभी स्वेटर का डिज़ाइन ही ज़्यादातर डालूंगी, मैं दोनों डालूंगी लेकिन इसे भी पूरा डालूंगी। तो चलिए इसे सीखते हैं। इसमें हमने 40 फंदा डाला है इसके लिए। और ये मेरे साइज का है और बहुत ही खूबसूरती से आ जाता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इसे भी हमने बना लिया है। ये दोनों बाजू का ये बाजू तैयार है और ये बाजू का बॉर्डर है दूसरा वाला। तो चलिए हम ये किस तरह से बनाए हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, ये हमने 10 नंबर का सिलाई लिया है और ऊन जो हमने ये स्वेटर बनाया है वही ऊन है। तो चलिए इस बॉर्डर को बनाते हैं किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा और कितना बेहतरीन लग रहा है वो भी आप देख लीजिए। उल्टे की तरफ से आपका इस तरह से आएगा। ये देखिए, उल्टे की तरफ से भी खूबसूरत ही लगता है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसमें फंदा डाल लेते हैं इस तरह से करके। इस तरह से करके हम 15 फंदा डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इसमें हमने 16 फंदा डाल दिया है और ये किस तरह से इस बॉर्डर को बनाना है वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे, लेकिन ये आप इसे बना लीजिए, पहला फंदा है बना ले या चाहे उतार ले। धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे 2 फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके इस तरह से 2 फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 2 फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 2 फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 2 फंदा सीधा, और फिर ये लास्ट वाला धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा। उल्टे की तरफ से दूसरी सिलाई है तो उल्टे की तरफ से सिर्फ उल्टा बनाएंगे। तो पूरा उल्टा बना के फिर हम तीसरी सिलाई में आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। ये देखिए, सिर्फ उल्टा बुनेगा। देखिए, तीसरी सिलाई में धागा आगे ही रहेगा और इसे हम उल्टा इस तरह से बना लेंगे, धागा को पीछे करेंगे और ये जो 2 फंदा है इस तरह से, देखिए ध्यान से, 2 फंदा जो है ऐसे हम लेंगे और इस तरह से बुनेंगे, फिर इसे इस तरह से अलग करके इसी में ये फंदा गिराएंगे नहीं, इसी में से एक फंदा और बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके ये एक फंदा, जिस तरह से 2 फंदा लिए हैं तो 2 फंदा में से 1 फंदा निकाल लिए हैं, फिर 1 फंदा को इसके अंदर से ऐसे निकालना होगा।
फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इस तरह से दो फंदा करके इसमें से फिर एक फंदा निकालना है और गिरा देना है, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा। ये देखिए ध्यान से इस तरह से लेंगे और ऐसे बिनेंगे फंदा, और फिर इसके बीच से एक फंदा और बिनेंगे, तो ये आपका पलट जाएगा ऐसे, और फिर एक उल्टा, फिर इस तरह से, और उल्टे की तरफ से सिर्फ उल्टा बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हर सलाई में करना है। ये देखिए ये पहला ये जो है डिजाइन पहला है, लेकिन आपको सिर्फ उल्टे की तरफ से उल्टा बनाना है, और सीधे की तरफ से आने के बाद इसी तरह से सारा सलाई में बनाना है ऐसे। ये देखिए किस तरह से लग रहा है ये डिजाइन, बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो देखिए इधर से सिर्फ उल्टा बनाएंगे, पूरा उल्टा बना के आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फिर से सीधे साथ तरफ आ गए हैं, इसे हम उल्टा बना लेंगे इस फंदा को, और धागा पीछे करके फिर उसी तरह से बनाना है, दो फंदा लेंगे फिर उसके बीच से एक फंदा, और ऐसे बनाएंगे, फिर उल्टा एक फंदा, फिर ऐसे, इस तरह से करके ये आपका बॉर्डर इस तरह से कंप्लीट होगा। ये देखिए इसे हर सलाई में इसी तरह से रिपीट करना है, उल्टे की तरफ से सिर्फ उल्टा बनाना है और सीधे की तरफ से इस तरह से बनाना है, तो ये आपका डिजाइन इस तरह से आएगा। ये देखिए इसमें इस दोनों में यही डिजाइन है। और दोनों में हमने 40-40 फंदा डाला है, और इसके ऊपर ये वाला डिजाइन दिया है, और इसके ऊपर पूरा हमने ये प्लेन बना दिया है। देखिए इसका कटाई भी हो गया है, तो इसको भी हम बनाने के बाद कर देंगे। और ये देखिए ये जो हमने आगे का और जो पीछे का जो भाग है उसको हम नीचे में ये वाला डिजाइन दिया है। ये देखिए ये तीनों टाइम में तीनों में इसी तरह से हमने दिया है, और इसके ऊपर में ये वाला डिजाइन दिया है। देखिए ये सारा हम मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पे उससे मेरे चैनल को ओपन करके इस सारा डिजाइन को देख सकते हैं। और पीछे में देखिए ये पीछे में हमने ये वाला डिजाइन दिया है, ये सारा डिजाइन हमने बताया है। और ये वाला जो हमने कटिंग करने के बाद जो होता है, ये देखिए जो मोढ़ा कटिंग होता है उसके बाद में जो ये बनता है, तो ये वाला डिजाइन हमने, ये देखिए आगे भी वही है पीछे भी वही है, ये देखिए दोनों पल्ला में यही डिजाइन हमने बनाया है। और ये कॉलर में जो हमने अभी अपलोड किया है वो तो आप देख ही लिए हैं। ये देखिए कॉलर में हमने ये वाला डिजाइन अपलोड किया है, ये भी अलग से बना के, ये अलग से बनाते हुए हमने अपलोड किया है। आप मेरे चैनल पे ये सारा डिजाइन है, आप इसे देख सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा। और मुझे बहुत सारा जैसे कि आता है, लेकिन मुझे जितना टाइम मिलता है वो सब कुछ मैंने आपको बताती हूँ, जितना भी टाइम मिलता है वो सारा मैंने आपको बताया है और बताते भी रहूँगी। तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसे देखिए फिर से मैंने ये वाला डिज़ाइन अपलोड करूँगी, बहुत जल्दी कर दूँगी। तो चलिए मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। और मेरा आवाज़ थोड़ा धीरा रहता है तो मैं माइक अभी नहीं यूज़ करती हूँ, मेरा ये नेचुरल आवाज़ है, तो मैं बहुत जल्द माइक भी ले लूँगी,
मैंने लिया था लेकिन मेरे मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।